किसान भाइयों, आज सोयाबीन के 15 ऐसे मुख्य बिंदु जिनसे आपके उत्पादन में अनंत गुणा वृद्धि हो जाएगी, तो आइए देखते हैं मुख्य शस्य क्रियाएं। नमस्कार किसान भाइयों, उन्नत खेती चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। किसान भाइयों, आज सोयाबीन की उन्नत खेती या उन्नत उपज लेने के लिए ऐसे कौन कौन से बिंदु हैं जो आप ध्यान रखें तो आपके उत्पादन में वृद्धि संभव है या अच्छा उत्पादन आपको प्राप्त होगा। सबसे पहला तो भूमि की गुणवत्ता या क्वालिटी पे आपको विशेष ध्यान देना है। हल्की भूमि सोयाबीन की खेती ना करें, जिस खेती में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत अच्छी हो, कम से कम 0.33 से ऊपर ओशी या ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हो। यदि नहीं है तो आप उसमें वर्मी कंपोस्टिंग करें या सड़ी हुई गोबर की खाद डालें। तो पहला बिंदु है कि उच्च गुणवत्ता वाली ऑर्गेनिक कंटेंट उसमें होनी चाहिए। दूसरा, प्रमाणित बीज ही प्रयोग करें जो आपके क्षेत्र में अनुशंसित किस्में हैं। या तो आप कृषि विज्ञान केंद्र से पता कर लें, या फिर आपके क्षेत्र में जो उन्नत किसान हैं, अच्छे किसान हैं, जो इस व्यवसाय में अच्छी जानकारी रखते हैं, उनसे संपर्क करके, जैसे अभी 1721 है, ब्लैक गोल्ड है, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग अनुशंसित किस्में हैं, उनको आप चयन कर सकते हैं। मध्य भारत के लिए बहुत अच्छी किस्में हैं, जैसे JS 20116, JS 2094, JS 2098, JS 2069। मध्य प्रदेश के लिए ये राज 18 करके बहुत अच्छा सोयाबीन है, राज सोया 24, इंदौर 131, इंदौर 136। महाराष्ट्र के लिए MAU 725। हिमाचल प्रदेश के लिए हिम सोया या सोया वन के नाम से बहुत अच्छी किस्म विकसित की है वैज्ञानिकों ने, ये बीज आप चयन कर लें। इसके बाद बीज उपचार का विशेष ध्यान रखें। बीज उपचार में सबसे पहले एफ यानी फंगिसाइड, फिर इंसेक्टिसाइड, फिर राइजोबियम कल्चर वगैरह से इसको बीज उपचारित कर लें। बीज उपचार करने से रोग नहीं लगने पाते हैं। बीज और उर्वरक साथ में मिलाकर बोनी ना करें। बोनी करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि गहराई उसकी 3 से 5 सेंटीमीटर तक रहे। इससे अधिक बीज गहरे पर जाने पर बीज का जो अंकुरण क्षमता है वो बहुत ही घट जाती है। इसलिए बहुत ध्यान देकर इसको बिल्कुल ऊपर ही यानी कि 3 से 5 सेंटीमीटर ही रखें। अच्छे उत्पादन के लिए यह बहुत आवश्यक है कि यदि आप शाकनाशी या हर्बिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं या इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक डालने की तैयारी कर रहे हैं, तो उस समय पानी की मात्रा, यदि आप पावर स्प्रेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 120 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से पानी का उपयोग होना चाहिए, ताकि आपकी जो फसल है उसमें पूरे सतह पर पानी और दवा मिश्रित पहुंच सके। और दूसरा, यदि आप पीठ वाला जो छोटा पंप होता है 15 लीटर का, उसका उपयोग कर रहे हैं, तो 500 लीटर पानी हर हाल में आपके खेत पे डालना चाहिए, ताकि दवाई का एक सा स्प्रे होना चाहिए। शेष शस्य क्रियाएं अगले अंक में। किसान भाइयों, आपको उन्नत और अच्छा उत्पादन प्राप्त हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।